सकता है बात का, समझ रहे हैं? तो इतना सिस्टमैटिक है, और क्या चीज से आई? अच्छा, तो अगर विस्फोट से आ सकती है इतनी सुंदर दुनिया, तो हम लोग क्या करेंगे? शिवांश को हम लोग इंक देंगे, क्या देंगे? इंक, समझते हैं? स्याही, काली रंग की स्याही रखी रहेगी, और एक क्या रहेगा, पेपर रखा रहेगा, और इस रात को क्या करेगा, एक्सप्लोड करेगा, क्या करेगा? और जैसे एक्सप्लोड करेगा, सुबह डिक्शनरी आ जाएगी कैम्ब्रिज की, क्या आ जाएगी? पॉसिबल है कि नहीं, बोलिए। अरे क्या बोला तुम, पागल है? बिग बैंग को मानता है कि नहीं? बिग बैंग को मानते कि नहीं आप? नहीं मानते? अरे तुम नहीं मानते तो फिर कुछ नहीं बोल सकते। स्कूल में पढ़े नहीं आप? जब बिग बैंग से आप एक्सप्लोर करके इतनी बढ़िया दुनिया ला सकते हैं, तो एक्सप्लोर करके एक डिक्शनरी नहीं ला सकते क्या? क्यों नहीं ला सकते डिक्शनरी? ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपके विस्फोट करने से इतनी बढ़िया दुनिया कैसे आ गई? विस्फोट करने से डिक्शनरी नहीं आएगी, विस्फोट करने से सब्जी नहीं आएगी, समझ रहे? तो विस्फोट करने से दुनिया आ जाएगी, है कि नहीं? हाँ, 26-11। हाँ, डिस्ट्रक्शन होता है विस्फोट से, कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। नहीं तो फिर सीमेंट उमेंट वाला विस्फोट करेगा, बोले मकान कैसे आया था, इसको कंस्ट्रक्शन करवाना होगा अपना घर, समझ रहे? तो लैंड लेगा, माटी बिल्लू सब रखेगा, ब्लास्ट मारेगा, बिल्डिंग आ गई, हरी बोल। कितना सुंदर इंटीरियर डिजाइनिंग भी है, वाओ, समझ रहे? इंटीरियर डिजाइनिंग आ जाएगा ना ब्लास्ट करने से, आएगा कि नहीं? तो अगर ब्रह्मांड इतना सुंदर आ सकता है विस्फोट से, तो डिक्शनरी क्यों नहीं आ सकती? आप बताइए, डिक्शनरी आ सकती है कि नहीं आ सकती विस्फोट से? तो ब्रह्मांड आ सकता है विस्फोट से, तो क्यों पढ़ते हम लोग ये सब चीज? पढ़ाया गया ना, ब्रह्मांड आया विस्फोट से, क्या संभावना है? मजबूरी है, फाड़ देना चाहिए इन पुस्तकों को। बच्चा इतना कमजोर होगा, मजबूरी बोलते हैं, तो मतलब बच्चा क्या पढ़ाई करता है? बच्चे के अंदर मतलब इतना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है आज समाज में कि बोल सके गलत है। गलत चीज है, लेकिन मान रहे कि ठीक है, मार्क्स लाओ हम लोग। तो आप लोग क्यों बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसमें? हम खोल रखे हैं, आप आइए, समझ रहे हैं? हम बच्चों, क्यों अपना बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं? और गुरुकुल छोड़िए, पहले आप, हम लोग क्यों नहीं रामायण पढ़ा रहे अपने बच्चों को? इतनी सिस्टमेटिक है रामायण, महाभारत, गीता, ये गीता में इतनी सुंदर सुंदर चीज दी हुई है। वो लोग को आप बताइए, भगवान बोल रहे हैं मुझसे, भगवान खुद गीता में बोल रहे हैं, भूमि अपो अनल वायु मनुखम, कि उनसे सब आ रही है भूमि अपो अनल वायु। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है भगवान से आ रही है सुनना, प्रैक्टिकल लग रहा है कि विस्फोट से आ रही है, कौन सा अच्छा लग रहा है बताइए? लेकिन ये गीता पढ़ ही नहीं रहा बच्चा, गीता में जो दिया हुआ है कि उनसे आ रही सृष्टि, वो पढ़ ही नहीं रहा, तो बेचारे के पास ऑल्टरनेटिव क्या है? स्कूल का छोड़ के ऑल्टरनेटिव बेचारे के पास कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए सोचिए, कितना पोपा जी बोलते हैं आजकल के स्कूल कॉलेज क्या है, कत्ल खाना। अच्छा, समझ रहे? कोई भी छोटा बच्चा भी तुरंत मान लेता है कि गलत थ्योरी है। कल छोटी 4 क्लास की एक बच्ची थी रूपाली, वो ही बोली गलत है। 5 मिनट से बात किया हम लोग ने, वो कुरन बोली सब गलत है। छोटा सा बच्चा भी इस चीज को समझ पाता है, और हम लोग अपने बच्चे को यही चीज पढ़ा रहे। हाँ, कैसे खत्म किया जाए? गीता पढ़ के। अगर हम लोग सही से गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, हमारे पास क्लियर रहेगा कैसे क्या हुआ है, समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई आदमी कुछ गलत तरीके से बिल्डिंग बना देता है, समझ रहे हैं, और आपको बिल्डिंग का ज्ञान नहीं है, तो जैसा बनाएगा वैसा ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सही से ज्ञान हो जाए कैसे बनती है, तो फिर आप उसका शोषण सहेंगे क्या? अब बोले हम खुद बना लेंगे, हम लोग को कुछ आता ही नहीं है, तो हम लोग कैसे बनाए अपना? तो इसीलिए गीता भागवत पढ़ना बहुत अनिवार्य है। क्या है?
अनिवार्य है, क्या है? मैं कल बच्चे से मिला, शिवम नाम का लड़का था रांची में, शिवम उसका भाई बम बम, इतनी बड़ी ट्रंक, मतलब ये जो इतना बड़ा जो चेयर है ना, इतनी बड़ी ट्रंक, उसमें उसकी पुस्तक थी क्लास 7 की 8 की ने. इतनी सारी पुस्तक पढ़ा है किस लिए? एक छोटे जॉब के लिए. किसके लिए? तो हमारे बच्चे इतनी पुस्तक पढ़ रहे हैं केवल किसके लिए? एक छोटे से जॉब के लिए. उसमें भी गलत गलत पढ़ाया जा रहा, और वो बच्चा एक गीता अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन इतनी सारी पुस्तक. तो किसकी गलती है? हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं हमारा बच्चा पढ़ाई कर, लेकिन जो चीज पढ़नी चाहिए वो तो नहीं पढ़. मैं नहीं बोला स्कूल छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ तो हम लोगों को भी रोज अपने बच्चे को 1 घंटा, बाकी जो भी पढ़ा है स्कूल में, हमें अपने बच्चों को खुद तो पढ़ाना चाहिए 1 घंटा. चलो बेटा हम लोग दोनों मिलके 1 घंटा गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़े. भागवत में इतना सुंदर सुंदर इतिहास है, कैसे कैसे राजा हुए. वो लोग केवल मुस्लिम राजाओं का राजा राज्य बताते, कैसे वो लोग औरंगजेब सब पागल लोग, वो लोग के बारे में बताते महान थे. और हमारे परिचित राजा पूरे विश्व भर के राजा थे, उनके राज्य में सब जगह प्रॉस्पेरिटी थी, उनके बारे में नहीं बताया जाता है. पढ़ा आप लोगों ने परिचित के राज्य के बारे में हिस्ट्री में? किसी को पता ही नहीं. ऐसा राज्य था, ऐसा राज्य था, भागवतम 10वें स्कंद के पहले स्कंद के 10वें अध्याय के 4 नंबर श्लोक में आता है. इतनी पृथ्वी खाना देती थी, इतना गाय दूध देती थी, कीचड़ दूध का होता था. कीचड़ किसका था? ये भागवत के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय के 4 नंबर श्लोक में आता है. परीक्षित राज्य में कीचड़ क्या चीज का था? दूध का. दूध की नदी बहती. कृष्ण का जन्म जब हुआ तो इतने दूध बहा, इतना मक्खन से वो लोग खेल रहे थे, मक्खन से खेल रहे थे, खा नहीं रहे थे, खेल रहे थे, कि मक्खन यमुना सफेद हो गई थी प्रयाग तक. 700-800 किलोमीटर तक नदी क्या हो गई थी. और आजकल यमुना में जाएंगे तो कचरा मिलेगा आपको, इतना गंदगी डालते हैं लोग. तो हमारी जो संस्कृति थी, सोने के प्लेट में खाते थे, ऐसी संस्कृति. सोना गिरा पड़ा रहता था, ये सब नहीं पढ़ाया जाता है. समझ रहे? भीम का बल, 10,000 हाथी का बल, ये सब. और पढ़ाते केवल छोटे मोटे छुछुंदर लोग के बारे में, सिकंदर छुछुंदर, समझ रहे? यही सब पढ़ाता है. और हम लोग के जो राजा परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर का जो राज्य था, बाप रे बाप क्या अद्भुत राज्य था. राम राज्य, वहां पर कोई स्त्री को प्रसव पीड़ा नहीं होती थी. जितनी जब बारिश की जरूरत होती उतनी आती थी, कोई एक आदमी बीमार नहीं था. है ऐसा कोई राज्य जिसमें कोई आदमी बीमार ना हो? कोई है राजा ऐसा? सबके राज्य में महामारी पड़ी रहती थी, मुसलमानों के राज्यों में भी भुखमरी रहती थी. और जब भगवान राम राज्य करते थे, कोई एक आदमी बीमार नहीं पड़ता था. ये सब पढ़ाया जाता है, सब भागवत में दिया हुआ, लेकिन पढ़ते नहीं. तो इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम लोग रोज 1 घंटा शास्त्र पढ़े, खुद भी पढ़े, बच्चों को भी पढ़ाए, सबको पढ़ाए, नोट्स बनाए, तब जाके हमारा भारत का संस्कृति. तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि कलयुग के लोग इतना पीड़ित हैं, तो भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप कुछ करें. तो भगवान ने किसके रूप में दर्शन दिया? जगन्नाथ. और आज भगवान की कृपा प्रभुपाद जी के रूप में आई, उन्होंने पूरे विश्व भर में लोगों को गीता बांटकर, ज्ञान बांटकर हेल्प किया. तो हमें विश्व के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, हमें भी लाभान्वित होना चाहिए. किन तो कितने लोगों को लगता है गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए? गीता तो एक बुक है, ऐसे हमारे पास कार्टून भर के बुक है भागवतम, लेकिन इसको तो पहले कंप्लीट करना चाहिए. इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आपको भागवत पढ़ना चाहिए, बहुत सारे ग्रंथ. तो ये नहीं करेंगे तो हमारा समाज कुछ ही दिनों में पूरा चौपट हो जाएगा, और उसके लिए कारण हम ही है. किसी और को, मुस्लिमों को, क्रिश्चियन को, किसी को दोष नहीं दे सकते. किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं.
अच्छा, तो हमने बताया जगन्नाथ जी का एक कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से जगन्नाथ जी ने, ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान आप कलयुग के लोगों को कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने बोला कोई मेरे इस रूप का दर्शन लेगा, जगन्नाथ रूप का, तो उसके पाप पुण्य सब खत्म हो जाएंगे, मेरे धाम। क्योंकि दुनिया में फंसने का तो उपाय है लेकिन निकलने का उपाय, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान ने उपाय बताया कि कोई मेरे धाम आएगा, मेरा दर्शन करेगा, मेरा प्रसाद खाएगा तो वो मुक्त। हाँ, कहाँ पर? 56 भोग नहीं, वहाँ पर 52 बार भोग लगता है। कितना भोग लगता है? हाँ, 52 बार भोग लगता है। तो जगन्नाथपुरी की बड़ी महिमा है, समझ रहे हैं? तो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जो हैं उनको रोज करीबन वहाँ पर 2000 किलो चावल बनता है। कितना किलो? हाँ, और अभी भी वहाँ पर जो खाना बनाती है वो लक्ष्मी जी बनाती है, और कोई नहीं बनाते। कौन बनाते खाना? आप बोलेंगे कैसे, दिखाई तो नहीं देती है। आप जाएंगे किचन के अंदर, पीछे में किचन है, तो वहाँ पर अभी भी एक के ऊपर ऐसे कभी 5 हाँड़ी 60 हाँड़ी रहती है। और सबसे पहले ऊपर वाली पकती है, व्याजुली आप लोगों को अगर आप 3 टोपियाँ लगाएंगे तो सबसे नीचे वाला पहले पकेगा, लेकिन वहाँ पर ऊपर वाली सबसे पहले पकती हो, निकालिए फिर दूसरी पकेगी, ऐसा है। और आप लोग घर में कुकिंग किए, कितने लोगों ने कुकिंग किया अपने घर में? सबने किया होगा। कभी आज तक आपने देखा कि आपका कभी नमक कम हुआ या कुछ बढ़ गया, हुआ कि नहीं? कितने लोग से हुआ है कि गलती से नमक देना ही भूल गए, या मतलब कम नमक कम बेसी हुआ है कि नहीं? हाँ, हुआ ही होगा। ऐसा कोई जो आज तक कभी नमक कम बेसी नहीं हुआ? हुआ ही है। लेकिन आप पूरी में, मैं 20 साल से जा रहा हूँ, 50 बार गया हूँ, और हर बार हम लोग महाप्रसाद खाते हैं, टेस्ट हर बार एज इट इज रहता है, कभी भी नमक कम या ज़्यादा नहीं रहता। हमने हजारों बार प्रसाद खाया लेकिन हमेशा टेस्ट। ऐसी कौन सी माता जी दुनिया में है जो कुकिंग करेगी उसका टेस्ट एग्जैक्टली सेम रहे हर बार? हो सकता है? हो ही नहीं सकता। वो अलग बता बता दो, पहले एक एक करके समझिए इस चीज़ को। पहले समझिए कि आप कोई माता जी हजार बार कुकिंग करेंगी, 10 साल से कुकिंग करे, हर बार सेम टेस्ट नहीं रह सकता है। कभी गलती से नमक जल्दा चल गया, हो ही जाता है, समझ रहे हैं? लेकिन जगन्नाथपुरी में आप खा के देखिए, हमेशा वही टेस्ट। ये कब संभव है? जब लक्ष्मी जी बनाते, नहीं तो कैसे संभव? तो वहाँ पर जो प्रसाद बनता है कौन बनाती है? हाँ, वो रथ का लकड़ी को साल भर काट काट के उसी को, उससे लकड़ी का खा। और उसमें बहुत नियम है, पहले आपको सही से खाना बनाया जाता है, फिर उसको ले जाया जाता है, सोने की थाली में परोसा जाता है, फिर नरसिंह मंत्र से उसको प्रेक्षण किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, फिर गोपाल मंत्र किया जाता है, उसके बाद पुजारी हाथ में जल लेता है, क्या लेता है? और भगवान का अगर छवि जल में नहीं दिखा तो इसका मतलब भगवान खाएंगे नहीं। जितनी बार भी भोग लगता है पुजारी हाथ में पानी रखता है और उस पानी में जगन्नाथ जी का दर्शन होता है, क्या होता है? और कभी कोई दर्शन नहीं हुआ उसका मतलब भगवान आप भी कुछ गुस्सा है, कुछ तो है, फिर लोग मनाते हैं भगवान को तब जाकर। नहीं, मंदिर के अंदर भगवान के सामने, भगवान का सोने का प्लेट है। सोने के झाड़ू से नहीं, वो साल में एक दिन जब रथ यात्रा होती है तो राजा आता है, वो सोने के झाड़ू से भगवान के सामने साफ करता है। मंदिर की झाड़ू अलग होती है, वो सोने की होती है कि मुझे पता नहीं, वो शायद नॉर्मली होती है, लेकिन वो सोने की जो झाड़ू है वो साल में एक बार रथ यात्रा के समय राजा समझ रहे हैं।
तो भगवान को जितना भी खाना बनता है सब लेके जाया जाता है, फिर सोने की थाली में परोसा जाता है, भगवान सबको खाते फिर विमला देवी के पास जाता है, दुर्गा देवी के पास, विमला देवी। तो विमला देवी उसको भोग लगाती है तो महाप्रसाद बनता है। क्योंकि पहले क्या था, एक बार भगवान का प्रसाद इतने आसानी से उपलब्ध नहीं था, केवल लक्ष्मी जी को उपलब्ध था। तो एक बार नारद मुनि की बड़ी इच्छा हुई कि मुझे भी महाप्रसाद मिले, तो 12 साल वैकुंठ में जाके लक्ष्मी जी खूब सेवा की है। कितने साल? चुपचाप सेवा करते थे, पानी लाना, कुछ भी लाना। तब किसी की सेवा करेंगे हृदय तो पिघल ही जाता है, समझ रहे हैं? तो एक दिन लक्ष्मी से रहा नहीं गया, बोले बेटा तूने बहुत सेवा की, कुछ मांग। बोले माँ मैं क्या मांगू, तू सब दे ही रही है। बोले नहीं नहीं बेटा कुछ तो मांग, तूने मुझे खुश किया है। तो नारद मुनि बोले माँ पक्का देंगी, नारद तो प्लान करके आए थे महाप्रसाद लेना है। तो नारद ने बोला माँ देंगे आप पक्का? बोला अरे पक्का बेटा, तू क्या बोल रहा है, मैं पूरी दुनिया को चलाती हूँ, सबको पैसा देती हूँ, तू बोल रहा है पैसा देंगे कि नहीं, क्या चाहिए बोल, तेरे करोड़ रुपया चाहिए? बोले नहीं नहीं मेरे को ये सब नहीं चाहिए माँ। बोला पक्का लेकिन देंगे ना? बोला हाँ। बोले माँ थोड़ा भगवान का महाप्रसाद चाहिए। बोले नहीं, वो भगवान ने मना किया है, वो भगवान ने बोला किसी को और को। बोले हो गया ना मम्मिया, आप बस इतना बड़ी बड़ी बात बोले थे, मांगो मांगो। अब लक्ष्मी जी को बुरा लगने लगा, रहे मैं समझ रहे मैं बोली से दूंगी, लेकिन बोला आप बहुत उछल रहे थे देंगे देंगे, अब नहीं दे पा रहे। बट ठीक है मैं व्यवस्था करती हूँ, मैं दिमाग लगाती हूँ। अब लक्ष्मी जी बहुत चिंतित हो गई कि मैं बोल तो दी लेकिन दे नहीं पा रही हूँ। अब बड़ा टेंशन में थी, क्या करूँ नहीं करूँ। तब भगवान की सेवा कर रही थी, बोले क्या बहुत चिंतित लग रही हो? नहीं कोई बात नहीं, नहीं कुछ तो बात है, नहीं ऐसी कोई बात, अरे तुम हमेशा तेरा चेहरा एकदम खिला भरता, आज दुखी लग रही, क्या हो गया? बोला कुछ चाहिए तो बोलो, तो मेरी पत्नी है भाई, मैं भगवान हूँ, क्या टेंशन है? बोले कुछ चाहिए तो बोलो। बोला बोले एक चिंता है। बोले अरे बोलो, मैं मेरा नाम लेने से चिंता खत्म हो जाती। बोले आपके कारण ही चिंता है। अरे क्या हो गया भाई, मेरे कारण चिंता? बोले हम सब तुम्हारी चिंता को हम ठीक करेंगे, हम टेंशन मत लो, क्या चाहिए बोलो। बोलो नारद ने ऐसे सेवा की 12 साल, बेचारे को मैंने वरदान दे दिया, बोले क्या चाहिए उसको बोलो, दे देंगे। बोले आपका तो महाप्रसाद वो नहीं मिलेगा, वो केवल तुम्हारे लिए और किसी के लिए। बोले हो गया, आप बड़ा बड़ी बात कर रहे थे देंगे देंगे, हो गया चुप। भगवान बोले अरे अब तो बोल दिया हम। बोले ठीक है एक काम करो, हम जब खा लेंगे ना तो तुम जब मैं नहीं देखूंगा तब निकालना, मेरे सामने से मत निकालना। बोले वो तो हम एक्सपर्ट है, समझ ले, वो तो आपके पॉकेट से पैसा निकालता है, वो पता ही नहीं चलता। हमारा नाम लक्ष्मी पड़ा कैसे? आप लक्ष्मी पति, सब पैसा चुरा के तो हम लक्ष्मी बने, समझ रहे? तो उसमें कोई टेंशन नहीं, वो हम एक्सपर्ट है। उन्होंने निकाल दिया, नारद को दे दिया। नारद खाया तो एकदम पागल हो गया यार, और भगवान का नाम पुकारने लगा, भजले नारायण 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 भजले भजले नारायण 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 भजले नारायण 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 गोविंद हरे गोपाल हरे गो गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद गोविंद हरे गोपाल हरे गो
गोविंद हरे गोपाल हरे। भजले नारायण 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 भजले नारायण हे भजले नारायण 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 भजले भजले नारायण 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 भजले हे भजले नारायण 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 भजले नारायण। तो नारद मुनि तो पागल हो गए, प्रसाद मिल गया। आज भी अगर हम अच्छे से भगवान का नाम जप करेंगे तो भगवान की कृपा जब मिलती है तो अद्भुत लगने लग। तो उनको तो साक्षात क्या मिल गया, अब वो नाचते नाचते कैलाश के तब से क्रॉस करने लगे। शिव जी बोले आज कितना पागल आ गया नारद बा, ऐसे ही पागल रहता है लेकिन आज तो ज़्यादा। तो नारद जी और शिव जी बोले क्या हो गया नारद भैया, आज आप एकदम एक्सटसी में दिख रहे हैं। बोलते अरे आज हमको भगवान विष्णु का प्रसाद मिल गया। बोलता भाई को भी देना चाहिए, हम भी तो आपके भाई हैं, थोड़ा हमको भी, आप अकेले अकेले खाते हैं आपको शर्म नहीं आता है। अच्छे व्यक्ति सभ्य पुरुष अकेले नहीं खाते हैं, मिल बांट के। ये सभ्य लोग का अकेले नहीं खाते, थोड़ा बांट के खाते। और आपको प्रसाद मिला अपने खा गए, सेल्फिश नंबर वन है आप। बोले हमको याद ही नहीं रहा। बोले कैसा है यार, बोले कुछ तो होगा। तो नारद देखे तो पूरा चाट गए थे, देखे नाखून में थोड़ा सा हल्का सा एक दाना। बोला अरे मिल गया तेरे मिल गया। शिवजी को दिया, शिवजी एक दाना खाए वो पगला गए। अब शिवजी का पागलपन थोड़ा सा लेवल पे होता है, मतलब टांडव उंडव चालू कर दियो एकदम गजब, समझ रहे हैं। तो अपने हिसाब से एकदम सीताराम सीताराम सी ए राधे श्याम राधे श्याम राम सिया राम सिया राम जय जय राम हे राम सिया राम जय जय राम हे राम सिया राम जय जय राम। अब शिव जी तो ऐसा पागल हो गए, ऐसा नाचने लगे। तब तक पार्वती जी आ गई कि आज इनका ज़्यादा ही पागलपन आ गया। रोज 20-25 यूनिट रहता, आज तो 200-400 प्रेशर बीपी एकदम 300-400 पार कर गया। कहा हो क्या गया इनको, अरे सुनते हैं सुन ही नहीं रहे। तो नारद मुनि से बोले क्या हो गया इनको। बोलो थोड़ा महाप्रसाद खा लिए। बोले महाप्रसाद खाए मेरे को नहीं दिए। वो नारद मुनि आप मेरे को क्यों नहीं दिए, इन्हीं को क्यों दिए, सब मेरे को भी देना चाहिए। बोला मैया मैं तो इनको इतना दिया था लेकिन खुद खा गए, दिए थे इतना सा, आग लगाने में एकदम आगे, समझ रहे, इतना सा दिए थे एक दाना। और क्या बोलते, मैं तो इतना दिया था सब खा गए, मैं बोला भी था कि माँ पार्वती को नहीं देंगे। बोला वो उसको क्या देंगे। अब तुम पार्वती और गुस्सा चढ़ गया। हम बोले मैया मैं जाता हूँ, आप लोग फैमिली मैटर है खुद निपट लीजिएगा, समझ रहे हैं। हम पहले समझाए थे, हम तो आपको हमको इतना प्रेम है आपसे, हम तो बोले थे कि दे दीजिए। लेकिन आप तो पार्वती जी बोले डबल गुस्सा, एक तो प्रसाद नहीं मिला उसके कारण, दूसरा हमको नहीं दिया। आप शिव जी को शांत जब हुए बोले क्या समझते हैं आप प्रसाद हमको क्यों नहीं दिए। बोले थोड़ा सा मिला था, कितना मिला था हम पहले इंक्वायरी करके बैठे। बोले कौन बोला तुमको, वो समझ गया क्या हुआ। तो फिर पार्वती जी गुस्सा हो गई, पार्वती क्या हो गई, बोले आप अकेले अकेले खा लिए, अब हम आपसे नहीं चाहिए, हम खुद तपस्या करके भगवान से। अब वो तपस्या की तो बहुत दिनों तक तपस्या की, तो फिर कौन प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। बोले भगवान क्या चाहिए, बोलो मैं को महाप्रसाद चाहिए। बोले ठीक है, तुमको जब मैं जगन्नाथ के रूप में आऊँगा तुमको प्रसाद सबसे पहले मिलेगा। बोले और कुछ चाहिए, बोले मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए केवल, मैं चाहती हूँ, माँ तो बच्चे सबसे प्रेम करते हो, जीवात्मा के सब लोग तो
हम लोग सब दुर्गा के पुत्र हैं। तो बोली मैं चाहती हूँ हर एक जीवात्मा को आपका क्या मिले। तो बोले ठीक है, जब मैं जगन्नाथ के रूप में आऊँगा तो 1000 किलो राइस खाऊंगा और रोज जितने लोग भी आएंगे सबको प्रसाद, 1,00,000 लोग भी आते हैं तो उस दिन राइस की क्वांटिटी बढ़ जाती, कोई भूखा, करोड़ों लोग भी आते हैं सबको पता नहीं प्रसाद मिल सकता है। और प्रसाद मंदिर के अंदर खराब नहीं होता है, बाहर ले जाएंगे खराब हो जाएगा, लेकिन वहां पर 3-3 दिन तक भी राइस रहेगी तो खराब। तो इसीलिए ये जगन्नाथ जी बड़े अद्भुत है। तो इसीलिए आज भी सबसे पहले जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद तो प्रसाद बनता है, और फिर जब बिमला देवी के पास जाता है तो महाप्रसाद बनता है। तो इसीलिए क्या होता है वो, तो इसीलिए आज भी बिमला देवी को चढ़ाया जाता है। गए आप लोग पूरी जगन्नाथ जी के दर्शन के पीछे, बिमला देवी का दर्शन है नहीं देखे, बिमला देवी का दर्शन किए तो बहुत सारे दर्शन है, इसलिए भक्तों के संग में जाना चाहिए, नहीं तो भीड़ में जाके बस जगन्नाथ जी को देख के आ जाएगा। लेकिन जगन्नाथ जी को देख के बिमला देवी के दर्शन के बिना कंप्लीट नहीं, इसलिए जीवन में गुरु होना चाहिए। बहुत लोग जब जाते हैं बस जगन्नाथ जी को दर्शन करके आ गए, समझ में नहीं आता करके, समझ रहे हैं? वहाँ पर बहुत सारी स्थलियाँ हैं, 50 दर्शन है मंदिर के अंदर। कांची गणेश है, पता है आपको कांची गणेश? मंदिर के अंदर गणेश जी का विग्रह देखें। तो इसीलिए जीवन में कौन होने चाहिए, नहीं तो रह के भी नहीं, भगवान हृदय में लेकिन दिखेंगे, है यहाँ पर लेकिन दिखेंगे आपको, क्योंकि आपको तो बिग बैंग थ्योरी दिखेगी, क्या दिखेगी? सब कुछ विस्फोट से आया है, समझ रहे? तो भगवान कहाँ से दिखेंगे? तो इतनी सुंदर सृष्टि है, आज सोचिए आज भूमि में आप, भूमि में आप आम का बीज डालते हैं और पानी डालते हैं और थोड़े दिन में क्या आ जाता है, आम का पेड़, और उसमें आम, आम का फल कैसा होता है, मीठा। और वही भूमि में आप बगल में मिर्चा डालिए, क्या डालिए, मिर्चा के बीज, और सेम पानी इधर भी, सेम पानी इधर, सेम भूमि इधर, सेम भूमि इधर, इसमें मीठा आ गया, इसमें तीता आ गया, कैसे? ठीक है, अगर आम के बीज से आ रहा तो आम के बीज को चूर दीजिए आप और मिठास दिखा दीजिए। अगर आम के बीज से मीठापन आ रहा है तो बीज को चूर चूर के दिखाइए, मीठा बीज मीठा होता है क्या? आम का बीज जो है वो तो मीठा नहीं होता, तो मीठापन आया कहाँ से? पानी तो वही है, मिट्टी वही है, तो आया कहाँ से मीठापन? अरे भाई अगर आप बोलेंगे बीज से आया, अरे आप लोग सब क्या बोले, आम का गुण मिठास है, तो आम का गुण में मिठास कहाँ से आया? हाँ तो वही तो बता रहे, ये क्या चमत्कार नहीं है? चमत्कार नहीं है ये? मिट्टी, मिट्टी में मीठापन नहीं है, पानी में मीठापन नहीं है, गुठली में मीठापन नहीं, और मीठापन आ गया, ये कौन दे रहा है? भगवान की कितनी अद्भुत, इसको रोज पढ़ गया आदमी, ये सब स्कूल में सिखाया जाना चाहिए। तो वही तो बता रहे, ये सब चीज गीता में दिया, वही सब चीज पढ़ानी चाहिए बच्चों को, ताकि उसका भगवान के प्रति प्रेम आए, और ये सब चीज सिखाते नहीं है, सिर्फ सिखाते है कैसे आया आम बिग बैंग से, यही सिखाया जा रहा है, तो उसका मन में लगता है सब कुछ तो ऐसे आया, तो क्या भगवान की, क्या भगवान को प्रणाम करेगा वो? जब वो सीखेगा भाई आम में स्वाद कौन दिया, गीता में भगवान बोलते हैं मैं पानी के अंदर स्वाद, तो बेचारा जब भी आम खाएगा भगवान को याद करेगा। आज माँ के स्तन में दूध आता है जैसे बच्चा आता है, आता है कि नहीं? तो अगर बच्चे को ये सब चीज़ सिखाएंगे, देखो भगवान हमको खाना दे रहे हैं, भगवान पानी दे रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, पहले दूध नहीं होता उस समय आ जाता, कौन दिया? बच्चा सूर्य की रोशनी नहीं देखता, उससे पहले खाने की व्यवस्था कर दी जाती। तो ये सब सिखाया जाना चाहिए बच्चों को, ये सब सिखाते नहीं, सब कैसे आया दूध विस्फोट से। समझ रहे हैं कितना झूठ है, विस्फोट से आता है तो फिर प्रेगनेंसी में इतना सतर्क क्यों रहते? विस्फोटे से बच्चा हो जाएगा तो फिर इतना मेहनत, 9 महीने इतना सतर्कता क्यों रहेंगे? विस्फोटे से आना है, कितना झूठ बोला जाता है।
एक थोड़ी सी आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपका बच्चा को कॉम्प्लिकेशन हो जाती। और ये लोग क्या बोलते हैं, सब कुछ कैसे आया? तो क्या भगवान को मानेगा वो बच्चा? और भगवान को नहीं मानेगा तो आपको क्या खाक मानेगा? समझ रहे हैं? हम जब विस्फोटे से आए तो माँ बाप का क्या वैल्यू है? विस्फोटे से उन्होंने हमको पैदा किया, विस्फोटे से हमको बड़ा किया, विस्फोटे से तो हम भी विस्फोट करके उड़ा देंगे जब बूढ़े हो जाएंगे। यही हो ही रहा है। तो इसलिए जीवन में बहुत जरूरी है कि हम भगवान की लीलाओं को सुने, समझे। इसलिए वेद व्यास और उनकी परंपरा में आने वाले जो गुरु हैं, जो कुछ पैसा नहीं लेते, जो समाज के कल्याण के लिए, पहले के गुरु शिक्षा के बाद उनको दक्षिणा मिलती थी, आपकी इच्छा हो तो दीजिए न तो। लेकिन आजकल क्या है, पहले फीस दीजिए फिर स्कूल में आपको एडमिशन। बिना स्कूल फीस के एडमिशन होता है? पहले पैसा दीजिए तब एडमिशन होगा। ये स्कूल है कि कत्ल खाना है? तो जो भी है, तो भगवान इस जगत में क्या लेते हैं, हम लोग के कल्याण के लिए जगन्नाथ जी प्रकट हो रहे हैं कि हम लोग का उद्धार करे दर्शन से, अपने प्रसाद से। तो एक बार एक राजा रहते जिनका नाम रहता है इंद्रदुम महाराज। क्या नाम रहता है सुनना चाहते हैं? तो बोले हरि बोल। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो बोलते रहेंगे, आप लोग जब जाना हो चले जाइएगा। समझ रहे हैं? अभी सुनने का कैपेसिटी है कि खत्म कर दे? सुनना है तो बोले जोर से हरि बोल। कुछ लोग बोल रहे खत्म कर दीजिए। कितने सुनना सचमुच में? तो बोले हरि बोल। तो एक समय एक राजा थे, नाम क्या था? क्या नाम था? इंद्रदुम महाराज। क्या नाम था? उनके नाम से आज भी सरोवर है पुरी में जाएंगे तो। इससे पहले मैं कांची गणेश की कथा सुनाया था आपको, उसके बाद इंद्रदुम को बताएंगे। तो आज भी मुरी मंदिर में जाएंगे तो जगन्नाथ जी के पीछे कौन से विग्रह हैं? गणेश जी के। अगले बार जाएंगे क्या तो हमारे साथ चलेगा तो हम आपको दिखा देंगे, नहीं तो आप खुद से भी जाएं तो आपको गाइड कर दिया जाएगा कैसे क्या करना है। जैसे भी कुछ दिनों बाद हम वृंदावन जाएंगे, आप लोगों को चलना है तो आप लोग बात कर सकते हैं। तो बिन हम लोग जा रहे हैं 11 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक, 5 दिन की यात्रा रहेगी, 1000 लोग जा रहे हैं उसमें। तो आप लोग को उसमें आना है तो आप लोग अंकित पुया किसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो हाँ 5 दिन की यात्रा नहीं, 11 से 15 तक है शायद। 15 को रात को लोग निकल जाएंगे वापस और 11 को सुबह तक पहुंचना होगा उधर। अलग अलग लोग अलग जगह से आ रहे, कुछ लोग धनबाद से, कुछ लोग पटना से, रांची से ही बहुत लोग आ रहे हैं। सब लोग अलग अलग पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। तो मैं आपको बताया था कांची गणेश के बारे में। तो यात्रा में जाना चाहिए गुरु वैष्णव के साथ में, अकेले जाएंगे समझ में आएगा नहीं, आएगा बहुत कम। तो क्या हुआ, हमारे ये जो इंद्रदुम राजा, ये जो एक राजा थे उड़ीसा के, उनका नाम था पुरुषोत्तम देव। क्या नाम था? बहुत ही अच्छे राजा थे, जगन्नाथ के भक्त थे। तो एक बार घूमते घूमते वो दक्षिण भारत में गए। कहाँ गए? दक्षिण भारत में एक जगह है कांची, तो कांची में गए वो। तो वहाँ के जो राजा थे उनकी जो पुत्री थी राजकुमारी, उनके साथ उनकी बात हुई तो दोनों को पसंद आ गए एक दूसरे। ये भी राजा थे वो भी राजकुमारी थी, दोनों को पसंद। और उनके पिता जो थे राजकुमारी के, उसका नाम था पद्मावती, लड़की का नाम था राजकुमारी का। तो पद्मावती और पुरुषोत्तम राय एक दूसरे को पसंद आ गया स्वभाव। फिर माँ बाप भी रेडी हो गए सब कुछ। तो शादी मोटा मोटी फिक्स हो गई थी। क्या हो गई थी?